तीनी तालुका पड़खेमुंडी सानखेमुंडी चिकिटी षोलखंड गोपाल समाज वार्षिक उत्सव सम्मेलन दिगपहंडी तीनी तालुका बड़खेमुंडी सानखेमुंडी टीटिकी षोलखंड गोपाल समाज वार्षिक उत्सव सम्मेलन अनुष्ठित होता। यह वार्षिक उत्सव में गोपाल समाज सभापति मनोरंजन कौड़ समस्त अतिथि और मुठा सभापति समस्त सदस्य और कृति छात्र छात्री और सांबादिकपढ़कंश मानपत्र ट्रफी प्रदान करते मंच में वार्षिक बरणी पाठ करते सांस्कृतिक कार्यक्रम परेषण होता। एक कार्यक्रम को कईठखंडी सरपंच तथा षोलखंड गोपाल समाज सभापति मनोरंजन गौड़ परिचालना करते आज जो कार्यक्रम होती कौन कह सर बार्षिक उत्सव जो होती गोपाल समाज आलोचना हम आज जो कैश आज जो वार्षिक उत्सव होती षोलखंड तीनटा तालुकार कौन कह सर विषय तो ये गंजाम जिलार गोटे बड़ तालुका कमिश्रे जो पृथक आम निर्माण करमर विगत वर्ष महासभा महाधिवेशन कार्यक्रम आम समापन कर हिसाब किताब वार्षिक बैठक में आम विवरण प्रदान करूँ बर्तमान आम जो जातिगत नीतिक जो केस गुड़ा थोड़ी कौलिक द्वारा आम समाधान करते केस आम अंतर तार समाधान कर प्रत्येक जो लोक मान आम जाति को कमी आम सुंदर करूँ जाति की भाया संस्कार हम शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में गुरुत्व लाभ कर जिलार राज्य लोक मानते प्रेरणा कार्यक्रम माध्यम धन्यवाद सहित आज कार्यक्रम कौन रही समाज पर कौन कौन प्रतिश्रुति कार्य आरंभ कल केस था कितना केस विचार कितना पेंडिंग अच्छी बर्ष भितर आम आय व्यय हिसाब किताब एवं आमर यही जो कृति छात्र छात्री मैंने टेन्थ प्लस भल नंबर रखिकी से पास होती से सब संवर्धना कराला और आम समाज जो मैंने प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मैंने डाक्टर इंजीनियर एवं बड़ बड़ पदपदवी अच्छा मत आज डाक संवर्धना कराला गंजाम जिलार आम प्रतिष्ठा तालुक समस्त कर्मकर्ता आम निमंत्रण कर प्राय आसते आज एवं सन्ध्या बेलू आम प्रसाद सेवन दी बड़ा कार्यक्रम अच्छे सन्ध्या बेलू सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे गत वर्ष देखिए तीन दिन धरी कार्यक्रम होता ए वर्ष कहीं गोटे दिन को संकुचित गत वर्ष कार्यक्रम थी आम महासभा आम महासभा आम निर्वाचन करूँ पांच वर्ष थे निर्वाचन हुए महासभा शेष दिन आम निर्वाचन करूँ तार एक वार्षिक सम्मेलन जेहतु वार्षिक सम्मेलन आम वन डे प्रोग्राम एम वार्षिक बरणी सब दिह कौन कौन कार्य कार्यक्रम करें रिपोर्ट कार्ड आम समाज रिपोर्ट कार्ड आम समाज भरोसा करके पदपदे रखी से आम रिपोर्ट कार्ड देवार आवश्यकता था ब्रह्मपुर ज्योतिरंजन गौड़ रिपोर्ट संघर्ष टीवी।